बिल के खिलाफ दिल्ली में डटे हजारों किसान, मोदी सरकार से कानून रद्द कराने की मांग। फार्मर बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान दिल्ली में आज भी डटे हुए हैं। आंदोलनरत किसानों का कहना है कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ है और जब तक मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वे दिल्ली छोड़कर नहीं जाने वाले। किसानों ने कहा कि वे 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, इसलिए फार्मर बिल रद्द होने तक वे दिल्ली में आंदोलन करते रहेंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही मोदी सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच घंटों तक बैठक हुई थी, लेकिन वह बैठक भी बेनतीजा रही। फिलहाल किसान समझौते के मूड में नहीं है। आइए सुनाते उनका क्या कहना है। ये जो किसान भाई यहाँ पे आ रहे, ये हिंदुस्तानी है या ये कोई और देश के आ रहे? ये बोलते भाई पाकिस्तानी बोलते, ये बोलते हैं ये कुछ भी बोलो, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। हम एक बात पूछना चाहते हैं भाई, कानून बनाया किसान के लिए तो बनाना चाह रहे हैं, और किसान उस चीज से नाराज है तो फिर ये क्यों बनावा है भाई? इन्हें कौन सा फायदा है भाई बनाने का? हम मुख्यमंत्री से भी, प्रधान से भी, प्रधानमंत्री से भी ये कहना चाहते हैं, इन अविश्वास बुद्धि आ जा और जो हम घर चले जाने, एक महीना हो जाए चाहे हमारा राशन पानी पूरा लाए हैं हम, हटकर नहीं जाने के कितने भी दिन हो जा, अब की बार जो हम जो अपनी मांग पूरी करवा के जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।